लेक्चर ऑफ हीट एक्सचेंजर एरिया कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, अभी तक के अपने सारे लेक्चर्स में बेसिकली हमने हीट एक्सचेंजर्स को अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा कि हीट एक्सचेंजर्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, हीट एक्सचेंजर का क्या रोल रहता है, वो सारी की सारी चीजें हमने अभी तक के लेक्चर्स में सीख ली है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि एक हीट एक्सचेंजर का जो एरिया होता है वो बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एक और चीज जो आपने सुनी होगी काफी बार यूज में आती है LMTD, जो आपसे मैक्सिमम टाइम इंटरव्यूज में भी रिपीट किया जाता है, वो भी तो आज के लेक्चर में आएगा। सो प्लीज आज के लेक्चर को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अब हम समझेंगे कि हीट एक्सचेंजर का बेसिकली एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड, पहले मेरे पॉइंटर को आप गौर से देखिएगा। ये नीचे वाला डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में हॉट फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कोल्ड फ्लूइड आपका यहां से एंटर कर रहा है और इस डायरेक्शन में आपका बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं पैरेलल फ्लो। एंट्रेंस पैरेलल फ्लो के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका ये देखिए, ये हॉट फ्लूइड इस तरीके से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर अलोंग द लेंथ इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप सेकंड डायग्राम देखिए, तो इसमें हॉट फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोल्ड फ्लूइड जस्ट उसकी रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस फ्रेंड्स में फ्रेंड्स अगर अलॉन्ग द लेंथ हम वेरिएशन देखते हैं टेम्परेचर का, तो आप देखिए ये वैल्यू हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, बट कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर आपका इधर से इधर राइज कर रहा है, बट ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट रहती है। फ्रेंड्स, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस केस में आपका इनिशियल में डेल्टा टी आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बट फाइनली जाते जाते अलॉन्ग द लेंथ आपका ये डेल्टा टी मिनिमम होता चला जाता है। और आप काउंटर फ्लो के केस में देखेंगे तो ये वैल्यूज आपको काउंटर फ्लो के केस में अप्रॉक्सीमेटली आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए, जैसा कि आपको पता है, एक आपका हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और इसमें एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन आपको सबको पता है कि एक चीज आपकी जो भी एनर्जी देगी, सेकंड चीज आपकी वो एनर्जी गेन करेगी, अगर और कहीं से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो। सो फ्रेंड्स, इस केस में नॉर्मली आपने देखा होगा मैक्सिमम एक्सचेंजर्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर या फिर मींस आपके एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से अबव या फिर बिलो ऑपरेट करते हैं, मैक्सिमम उनके ऊपर इंसुलेशन होते हैं ताकि किसी भी तरीके से हमारा हीट लॉस ना हो या फिर एनर्जी लॉस ना हो। सो फ्रेंड्स, इस केस में बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका हॉट फ्लूइड जो भी टेम्परेचर लूज करेगा उतना ही टेम्परेचर आपका कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा, ये हम हमेशा लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरी पहली लाइन देखिए तो देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड। मींस हॉट फ्लूइड मेरा जो भी टेम्परेचर लूज करेगा, कोल्ड फ्लूइड मेरा वो टेम्परेचर गेन करेगा। अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो क्यू इज इक्वल टू, जहां पे क्यू है मेरा हीट फ्लो रेट किलो जूल पर आवर इज इक्वल टू MHCH TH इन माइनस TH आउट मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू कोल्ड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो फैक्टर है ये पूरा, जहां मेरा पॉइंट ऑफ गौर से देखिएगा, ये है आपका हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड, और ये सेकंड फैक्टर देखिए ये है मेरा हीट गेन्ड बाय द आपका कोल्ड फ्लूइड। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा जो एक फ्लूइड हीट लॉस्ट करता है वो सेकंड फ्लूइड हीट गेन करता है। यहां पे फ्रेंड्स MH मास फ्लो रेट की यूनिट होती है मेरी किलो केजी पर आवर, CH स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है मेरी किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली आपका डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप ले सकते हैं या फिर केल्विन में भी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये पहली इक्वेशन कंफर्म हो गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली क्वेश्चन मेरा बोलती है हीट लॉस्ट बाय वन फ्लूइड और हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड, और हीट गेन का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, जहां पे M होता है मास फ्लो रेट, C होता है मेरा स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी होता है मेरा चेंज इन टेम्परेचर अलॉन्ग द लेंथ। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है लॉन्ग एंड हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली UA इंटू LMTD।
जहां पे यू होता है मेरा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फ्रेंड्स जिसकी यूनिट होती है क्या है, किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर केल्विन। ए होता है मेरा एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर और एलएमटीडी होता है मेरा बेसिकली लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। फ्रेंड्स ये जो पिछली जो स्लाइड में हमने देखा था वो बेसिकली था आपका एनर्जी बैलेंस, कि जितना आपका हॉट फ्लूइड ने आपकी एनर्जी लूज की उतने ही आपकी कोल्ड फ्लूइड ने एनर्जी गेन की। तो फ्रेंड्स एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय कोल्ड फ्लूइड, ये मैंने लास्ट स्लाइड में देखा। बट अगर मैं इस स्लाइड की बात करता हूं तो फ्रेंड्स मेरे इस स्लाइड में ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है, कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें बेसिकली हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स एक्चुअली ये जो इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू यू ए एल एम टी डी, यहाँ पे ये यू जो है ये है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये एक एक्सचेंजर के लिए आपका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बिकॉज ये कई चीजों का सम रहता है, लाइक एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इंटरनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और ये दो तीन चीजों का सम रहता है जो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में डिटेल में कवर करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो जस्ट आप ये इक्वेशन याद कर लीजिए जहां पे यू आप लेके चलिएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। सो फ्रेंड्स क्यू होता है क्यू इज इक्वल टू यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंटू ए इंटू एल एम टी डी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है आपका हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस एन एक्सचेंजर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स नीचे इस एग्जांपल को आप गौर से देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूं एल एम टी डी बेसिकली होता क्या है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देखिए यहां से मेरा हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है 70 डिग्री पे और हॉट मेरा एग्जिट कर रहा है 40 डिग्री पे, लेकिन अगर कोल्ड फ्लूइड आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है 36 डिग्री पे। तो फ्रेंड्स अगर आप एंटर का देखिएगा तो यहां पे डेल्टा टी मेरे को मिल रहा है 40 डिग्री और एग्जिट में मेरे को डेल्टा टी मिल रहा है ओनली 4 डिग्री। सो फ्रेंड्स एल एम टी डी की अगर बात करते हैं तो यहां पे आप देखिए फॉर्मूला है डेल्टा टी ए माइनस डेल्टा टी बी अपॉन एल एन ऑफ डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी, ये हम यूज करते हैं। ये जो लास्ट वाला टर्म फ्रेंड्स मैंने आपको बताया यू ए एल एम टी डी, इसमें जो लास्ट वाला टर्म है ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। कई बुक्स में आपने देखा होगा ये एल एम टी डी की जगह डेल्टा टी एम भी लिखा रहता है, वो भी सेम एल एम टी डी का ही दूसरा नोटिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स अब हमारे लिए जरूरी है कि ये समझना, अब आप ये बोलेंगे कि हम तो डायरेक्टली डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं, हम एल एम टी डी ही क्यों यूज कर रहे हैं। इवन ये क्वेश्चन आपसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम एल एम टी डी पे ही क्यों जाते हैं, हम सीधा डेल्टा टी क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स वो समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स व्हाई एल एम टी डी टू बी यूज नॉट डेल्टा टी फॉर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पैरेलल फ्लो के केस में आपका हीट हॉट फ्लूइड आपका इस तरीके से हीट लूज करता है लेकिन कोल्ड फ्लूइड आपका इस तरीके से एनर्जी गेन करता है। सिमिलरली आपका काउंटर फ्लो करंट के केस में इस तरीके से आपका हॉट फ्लूइड एनर्जी लूज कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड आपका इस तरीके से एनर्जी गेन कर रहा है। सो फ्रेंड्स अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द लेंथ अगर कॉन्स्टेंट होता तब तो हम यूज कर सकते थे कि हमने डेल्टा टी यूज कर लिया बिकॉज डेल्टा टी की वैल्यू मेरे को हर जगह कॉन्स्टेंट मिलती। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इन केसेस में होने वाले हीट ट्रांसफर का आप देखिए पैटर्न क्या है तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो डेल्टा टी है ये वैल्यू कहीं पे भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वैल्यू हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगी, ये वैल्यू हर पॉइंट पे आपको डिफरेंट मिलेगी और ये जो बेसिकली आपका पाथ फॉलो कर रहा है वो एक लॉगरिथमिक पाथ है। सो अगर आप डायरेक्टली डेल्टा टी करके आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर पॉइंट पे एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, लाइक अक्रॉस द लेंथ अगर आप कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो हर पॉइंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी और आपके जो आंसर है वो गलत आएंगे। और एल एम टी डी ये हमें सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू ला के देता है जो हमारे अगर हम सारे पॉइंट्स पे अलग अलग कैलकुलेट करके उसका मीन निकालते हैं तो एल एम टी डी हमको बिल्कुल उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ला के देता है। सो फ्रेंड्स याद रखिए एल एम टी डी इज फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू एन हीट एक्सचेंजर, दैट्स वाई वी नेवर यूज डेल्टा टी। फ्रेंड्स होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम एल एम टी डी ही क्यों यूज करते हैं, डेल्टा टी क्यों नहीं यूज करते हैं। फ्रेंड्स ये अच्छे से समझिएगा बिकॉज आपसे कई बार इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि एल एम टी डी क्या होता है और एल एम टी डी का हम यूज क्यों करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर कोई आपसे ये पूछता है व्हाट इज एल एम टी डी तो आप सीधा से बोलिएगा एल एम टी डी इज बेसिकली अ टर्म दैट इज यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जो एल एम टी डी है उसमें हम डेल्टा टी क्यों नहीं यूज करते हैं, उसका लॉग मीन डिफरेंस ही क्यों यूज करते हैं, तो आपके पास में ये आंसर होगा कि डेल्टा टी हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है बिकॉज ये जो आपका डेल्टा टी है ये बेसिकली आपका हर पॉइंट पे अलोंग द लेंथ वेरी होता रहता है। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको ये जो लॉगरिथमिक वाली वैल्यू है बिकॉज ये एक लॉगरिथमिक पैटर्न फॉलो करता है तो ये जो लॉगरिथमिक वाला
वाला जो टर्म है ये आपको बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू ला के देता है, इसीलिए हम एलएमटीजी की हमेशा बात करते हैं, नॉट वी टॉक अबाउट डेल्टा टी। सो फ्रेंड्स होप आपको एलएमटीजी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक पिछली दो स्लाइड्स में मैंने आपको दो डिफरेंट इक्वेशंस बताई, एक इक्वेशन थी आपकी आपका हॉट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड के बीच में एनर्जी बैलेंस, और दूसरी इक्वेशन थी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो एक एक्सचेंजर के थ्रू हो रहा है। सो फ्रेंड्स जितना भी आपका एक हॉट फ्लूड ने कोल्ड फ्लूड को आपको जो भी हीट दी वो हीट बेसिकली वही हीट है, बिकॉज वो बीच में आपका वही सरफेस आ रहा है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होना है। तो ये जो हीट चेंज हुआ है दोनों फ्लूड्स के बीच में दैट मस्ट बी इक्वल टू द हीट ट्रांसफर अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स इन तीनों इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं एक दूसरे के आमने सामने रखूंगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड को गौर से देखिएगा। बेसिकली अभी तक बताई गई आपको जो मैंने दोनों इक्वेशंस बताई थी उसको मैं एक दूसरे के सामने रखता हूँ। सो हीट फ्लो रेट के जी पर आवर इज इक्वल टू एम एच सी एच टी एच इन माइनस टी एच आउट इज इक्वल टू एम सी 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 टी सी इन माइनस टी सी आउट इज इक्वल टू यू ए इंटू एल एम टी डी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी रेड में टर्म्स हैं ये सारे के सारे टर्म्स हमें इजिली पता रहते हैं, बिकॉज जो पाइप जिसके थ्रू आपका मीन्स लिक्विड फ्लो कर रहा है उससे आप इजिली उसका मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट लिक्विड्स की आपको पता रहती है, लिक्विड किस टेम्परेचर पे इन हो रहा है, हॉट लिक्विड किस टेम्परेचर पे आउट हो रहा है वो आपको पता रहता है, सिमिलरली कोल्ड लिक्विड का आपको मास फ्लो रेट पता रहता है, आपको स्पेसिफिक हीट पता रहती है किस टेम्परेचर पे वो इन हो रहा है किस टेम्परेचर पे आउट हो रहा है वो आपको पता रहता है, हीट एक्सचेंजर आपका किस मटेरियल का बना हुआ है वो आपको पता रहता है, और जैसे कि आपको हॉट फ्लूइड के इन और आउट का टेम्परेचर पता है और कोल्ड फ्लूइड के इन और आउट के टेम्परेचर पता है, तो बेसिकली आप एलएमटीडी यहां से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैं आपको पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं। सो फ्रेंड्स इस पूरी क्वेश्चन का यूज करके इजिली हम एरिया की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर हमको एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें हमें ये बताया जाए कि हमें एक फ्लूइड है जिसको इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक हीट करना है यूजिंग हॉट लिक्विड जिसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमें दिया जाए, तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें इतना हीट ट्रांसफर करना है जो भी हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए उसके लिए हमें टोटल कितना एक्सचेंजर का एरिया डिजायर्ड होगा। सो फ्रेंड्स अगर हमको हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की कंडीशंस बेसिकली दे दी जाती हैं कि हॉट फ्लूइड किस टेम्परेचर पे इन कर रहा है किस पे आउट कर रहा है, सिमिलरली कोल्ड फ्लूइड किस टेम्परेचर पे इन कर रहा है आउट कर रहा है, तो बेसिकली मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उस डिजायर्ड हीट ट्रांसफर के लिए मेरे को कितना एरिया चाहिए, बिकॉज एमओसी के हिसाब से मुझे को हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पता होगा, हॉट वाटर इनलेट आउटलेट और कोल्ड वाटर इनलेट आउटलेट की टेम्परेचर मैं आराम से एलएमटीडी पता कर सकता हूँ, और बाकी सारी चीजें मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट मेरे को हॉट और कोल्ड फ्लूइड की पता रहती है। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं इन सारी क्वेश्चंस को जो मैंने आज आपको समझाया है एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको ये यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं दिए गए क्वेश्चन में एरिया कैलकुलेट करता हूं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम मिलते हैं एलएमटीजी और एरिया कैलकुलेट करने के लाइव एग्जांपल के साथ में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।